आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम है यश मुदगल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ चीन का, यहाँ का कल्चर किस तरह का है, यहाँ पे लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ चीन की सरकार किस तरह से अपने आम लोगों को क्या क्या सुविधाएँ प्रोवाइड करती है। तो ऐसी एक सुविधा जो चीन की सरकार ने लोगों को दी हुई है, परिवहन की सुविधा। तो परिवहन में यहाँ पे दोस्तों बस है, मेट्रो है, रेल है, जहाज़ है, सब कुछ है। उसके साथ साथ यहाँ पे है बाइसिकल। इन्वायरमेंट के लिए और सेहत के लिए एक बहुत ही बढ़िया परिवहन का साधन बाइसिकल, साइकिल। तो दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, ये मेरे पीछे जो सब ये हैं, सब ये साइकिल्स हैं। एक इस तरह की पीली साइकिल है, ये किसी एक अलग कंपनी की है। पीली साइकिल के जैसे ही एक पीली स्कूटर है, वो इलेक्ट्रिक बाइक है, वो एक किसी अलग कंपनी की है। ये नीली वाली साइकिल है, ये किसी अलीबाबा का आपने नाम सुना होगा। जो जितनी भी ये नीली वाली साइकिल है और नीली वाली आप देख सकते हैं यहाँ पे, नीली स्कूटर है, ये सब अलीबाबा की हैं। तो आज इन्हीं में से एक नीली साइकिल मैं आपको चला के दिखाता हूँ कैसे चाइना में इन साइकिलों को यूज़ किया जाता है। देखते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ये QR कोड है, आप जैसे देख पाएंगे यहाँ पे QR कोड है। तो इस QR कोड को हम स्कैन करेंगे अपने फ़ोन से। तो जैसे दोस्तों ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, हम पे कर देंगे 1.5 RMB। स्कैन करने के बाद दोस्तों हमारी ये साइकिल खुल चुकी है। ये साइकिल की है घंटी और साइकिल हम 1.5 RMB में दोस्तों तो दोस्तों 1.5 RMB में जो यहाँ पे है, हम चला सकते हैं इस साइकिल को आधा घंटा। आधे घंटे के बाद फिर इसमें और एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो सामान्य चार्ज है, फिर ये कुछ कम हो जाएगा। तो ऐसे ये साइकिल 1.5 घंटे में से चला सकते हैं अपना, जो भी हमें काम है, ऑफिस जाना है या कुछ ऐसा करना है। नहीं हमें टैक्सी चलानी है, गरीब लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, तो पेट्रोल महंगा हो रहा है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम जैसे व्यक्ति कभी कभी ऐसी साइकिल का उपयोग भी कर लेते हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे एक मोटर बाइक है। साइकिल से आपको देर लग रही है तो आप मोटर बाइक भी चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक की ये बाइक है, बाइक का भी आपको एक बार मैं परीक्षण कराता हूँ। तो अपने गंतव्य पे पहुंचने के बाद साइकिल को फिर से खड़ा कर देंगे। खड़ा करने के बाद जिस तरह से हमने स्कैन करके इसको खोला था, उसी तरह से स्कैन करके इसे बंद कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगी, फिर इसे कोई नहीं चला सकता। तो दोस्तों, साइकिल के बाद लेके चलते हैं बाइक की राइड पे। तो जिस तरह से हमने साइकिल को ऑन किया, इसी तरह से हमने बाइक को भी स्कैन के थ्रू ऑन किया। बाइक को चला सकते हैं, हेलमेट बाइक के साथ ही दिया हुआ है। सड़क पर हेलमेट पहनना होता है, लेकिन हम सड़क के किनारे हैं तो हेलमेट को अभी हम अवॉइड ही करते हैं, थोड़ा बालों का भी देखना पड़ेगा। तो चलते हैं बाइक की राइड, बाइक चल पड़ेगी। तो इस तरह की है हमारी बाइक। बाइक को दोस्तों 1 RMB में हम चला सकते हैं 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर तक ये चल सकती है, केवल 1 RMB में, मात्र 1 RMB में। और उसके बाद ठीक उसी तरह से बाइक के लिए अलग अलग स्पोर्ट बने होते हैं। दोस्तों साइकिल को तो हम कहीं पर, जो ये साइकिल है इसको तो हम कहीं पर भी खड़ी कर सकते हैं, सोसाइटी के नीचे, ऑफिस के नीचे, कहीं पर भी। लेकिन बाइक के पर्टिकुलर स्पोर्ट होते हैं, वो आपको एप्लीकेशन में दिख जाते हैं कि कहाँ पर हम खड़ी कर सकते हैं बाइक को। तो हम बाइक हमने जहाँ से ली वहीं पर इसे वापस करने चलते हैं। तो इस तरह से जो सरकारें हैं, चाइना की जो सरकार है, चीन की जो सरकार है, उसने आम जीवन को इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। आशा है भविष्य में भारत में भी इसी तरह की जितनी भी तकनीकें हैं, भारत में भी इसी तरह की तकनीकें आएंगी तो जनजीवन को काफ़ी सुविधा होगी। और दोस्तों, पर्यावरण के लिए साइकिल और ये इलेक्ट्रिक जो ये वाहन है, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छे हैं। तो आप भी जीवन में पर्यावरण का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, प्रसन्न रहें, खुश रहें,
और मिलते हैं फिर अपने अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।